वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गिरिंद बिहारी देव जू की जय। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री गोविंद सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास्य कमलगल्पम् वाग्मयम् अमृतम् जगत्प्रेवती विश्वसर्गं सर्गादि नवलक्षणं लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकुल गोपी तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहम श्रीगुरो श्रीपत्कमलम श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललता श्री विशाखान्विताश्च नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमतीरेत वाछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुत मंद मते दया मुद्रा तुलसी कानन यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत 13वां परिच्छेद 88वीं प्यार कल कह रहे थे 90 प्यार कह रहे थे 88 नीलांबर चक्रवर्ती कहिला गणिया एक मास पुत्र होवे शुभ लक्षण पाइला। श्री विष्णु का जन्म हुआ, इसके बाद में श्री 13 महीने हो गए और महाप्रभु का अभी जन्म नहीं हुआ है। शची माँ के गर्भ में विराजमान है श्री जगन्नाथ मिश्र। उनको बड़ी चिंता हुई कि क्या बात है, बालक का जन्म क्यों नहीं हो रहा है। अब कह रहे हैं नीलांबर चक्रवर्ती उनके पास में गए, ससुर जी के पास में, कि क्या बात है। नीलांबर चक्रवर्ती जी ने गणना की, ज्योतिषी है बहुत अच्छे, और एक मासिक पुत्र है वे शुभ क्षण पाए। कोई चिंता मत करो, शुभ क्षण जैसे ही आएगा एक महीने बाद, एक महीने के अंदर पुत्र का जन्म होगा। ये उन्होंने गणित की, अपने ज्योतिष की गणना करके उन्होंने फलित का आदेश दिया कि एक महीने बाद, एक महीने के अंदर शुभ मुहूर्त में पुत्र का जन्म होगा, चिंता मत करो। ये उस समय 1407 शाके मास, ये फाल्गुन पौर्णमासी संध्या काल में, और ये शुभ क्षण, वो शुभ क्षण कब हुआ, वो 1407 शकाब्द, उसके हिसाब से 1542
विक्रम संवत, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि संध्या का समय, वह शुभ लग्न हुआ है, शुभ मुहूर्त हुआ है और उस शुभ मुहूर्त में श्रीमद् महाप्रभु का जन्म हुआ। सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च ग्रह बल, श्री महाप्रभु सिंह राशि हैं, सिंह लग्न, लग्न तो सिंह हो गई, जो राशि है वो समस्त ग्रह उच्च स्थान पर विराजमान है। षड्वर्ग, अष्टवर्ग, इन सबकी दृष्टियों से ज्योतिष के शुभ लक्षण जिसमें विराजमान है, अष्टवर्ग, षड्वर्ग, अष्टवर्ग सब शुभ लक्षण, सुंदर शुभ लक्षण। ये जन्म पत्री के ही तीन प्रकार के, दो प्रकार के भेद हैं, षड्वर्ग और अष्टवर्ग जन्म पत्री, तो वो शुभ लक्षण विराजमान है। माने जो लग्न है उस लग्न का ही विस्तार, कहीं छह वर्ग में, कहीं आठ वर्ग में उसका विस्तार करके उसका विस्तार किया जाता है। अलंक, अकलंक गौरचंद्र दिन दर्शन, उस समय अकलंक श्री गौरचंद्र ने दर्शन दिए, जहां अकलंक गौरचंद्र दर्शन कर रहे हैं तो उनको देख करके सकलंक जो चंद्रमा है वो तो लजाए गए, इसलिए मानो राहु ने उसे ग्रस लिया सकलंक। ये बड़ी सुंदर एक उत्प्रेक्षा हो गई कि निष्कलंक श्री गौरचंद्र बीजो उदय हुए, जहां कोई दोष नहीं है, ऐसे गौरचंद्र प्रकट हुए तो सकलंक जो प्राकृत चंद्रमा था उसको तो राहु ग्रसेगा ही। तो सकलंक चंद्र आत्म प्रयोजन, मानो सकलंक चंद्र की अब कोई आवश्यकता नहीं है। एते जान राहु के लिए चंद्र ग्रहण, ये जान करके राहु ने चंद्रमा का ग्रहण कर दिया। कृष्ण कृष्ण हरे नामे भासित त्रिभुवन, सारी त्रिलोकी कृष्ण कृष्ण हरे हरे इन नाम में डूब गई, हरे बोल। तो एते जान राहु के लिए चंद्र ग्रहण, ये राहु ने चंद्र का ग्रहण कर लिया कि अब सकलंक चंद्रमा की क्या जरूरत है, और सारा संसार कृष्ण हरि नाम का उच्चारण कर रहा है, जगत भरिया लोग बोले हरि हरि, सारा संसार सब हरि बोल ऐसे बोल रहे हैं और जगत भर गया। से क्षण गौर कृष्ण भूमि अवतरी, उस समय श्री गौर कृष्ण वे पृथ्वी पर अवतरित हुए, गौर कांति से आवृत कृष्ण वे पृथ्वी पर अवतरित हुए। ये कहने का तात्पर्य है अन्यथा गौर कृष्ण कैसे होंगे, काला रंग गोरा हो नहीं सकता, कैसे होगा, काला रंग काला ही रहेगा, गोरा गोरा ही रहेगा, परंतु यहां पर गौर कृष्ण माने गौर कांति से आवृत कृष्ण वे पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुए। ये अद्भुत विरोधाभास कि गौर कृष्ण अवतरित हुए। प्रसन्न है सर्व जगतेन मन, उस समय सारे जगत का मन अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हो गया है, और हरि बलि हिंदू के हास्य करे यवन, हिंदू लोग भी जो यवन लोग हैं वे भी हरे हरि कहकर के हंसी कर रहे हैं, मन उनके मुख से भी नाम निकल रहा है। तो सांकेत्य परहास, ये परहास में वे हरे 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 हरे, वो जब दुनिया सारा जगत जो हिंदू जगत है वो हरि हरि शब्द का उच्चारण कर रहा है, तो यवन लोग हिंदुओं की हंसी करने के लिए हरि हरि कह रहे हैं, बोले हरि 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 हरि, ये हंसी का हंसी में उपेक्षा में कह रहे हैं। तो उस समय सब लोग अपूर्ण रूप से आनंदित हो रहे हैं, एक आनंद में हरि हरि शब्द का उच्चारण कर रहा है और दूसरा हरि हंसी उड़ाने के लिए ये परिहास में हरि हरि शब्द का उच्चारण कर रहा है। हरि बल नारीगण देव भुला बोली, उस समय
जितने भी नारी गण हैं वो हरि बोल करके हरि कह करके हुला हुई जो जीव जो है उनको हिला करके जो हुला हुई शब्द है उनका अपूर्व से आनंद का मंगल ध्वनि करती हुई विराजमान हो रही है, हुला हुई ध्वनि को कर रही है। स्वर्ग वाद्य नृत्य करे देव कुतूहली, श्री देवता गण भी स्वर्ग में कुतूहल होकर के नृत्य कर रहे हैं, उनको भी परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। स्वर्ग में वाद्य बजा करके ये प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्न हरिण दशनिक प्रसन्न नदी जल, श्री कृष्ण लीला में जैसे हुआ नद्य प्रसन्न सल्ला, इसी प्रकार यहां पर भी सारा जगत प्रसन्न हो गया है, सारी दशाएं दशों दिशाएं प्रसन्न हो गई हैं। प्रसन्न नदी जल, नदियों के जल प्रसन्न हो गए हैं। स्थावर जंगम हरिण आनंद विकल, स्थावर जंगम सभी आनंद में अत्यंत अत्यंत विकल होकर के विराजमान, जो चल सकते हैं जो नहीं चल सकते हैं वे भी आनंद में विभोर हो रहे हैं, सबको परम परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि, कृपा करे हरिल उदय पाप तमो हरिल नाश, त्रिग चतेर उल्लास जग भरे हरि ध्वन भय। सही काले निजालय उठिया द्वितराय, नृत्य करे आनंदित मौने हरिदासे लैया संगे, हुंकार कीर्तन रंगे केले नाचे के हो नाची जाए नहीं जाए। नदिया उदयगिरी, आज ऐसा लगता है मानो नदिया नाम नवद्वीप वह एक उदय का पर्वत है, जहां पर सूर्य उदय होते हैं उस स्थान का नाम है उदयगिरी। तो नदिया उदयगिरी, नदिया हो गया मानो उदय उदयाचल, और उस उदयाचल के ऊपर पूर्ण चंद्र गौर हरि, श्री गौर हरि पूर्ण चंद्रमा के समान आप उदय हो रहे हैं। कृपा करो हरि उदय, कृपा करके श्री महाप्रभु का उदय हुआ गौर हरि का, और चंद्रमा का जब उदय होता है तो पाप तम ये नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही पाप तमो हरि नाश, पाप तम सब नष्ट हो गए हैं। त्रिजगतेर उल्लास, और त्रिजगत अपूर्व उल्लास में विराजमान हो गया, संपूर्ण जगत अपूर्व उल्लास में युक्त हो गया है। जग भर हरि ध्वनि है, और जगत भर में भगवान की ध्वनि ही हरि नाम की ध्वनि ही हो रही है। हरि शब्द का अर्थ है जो पाप का हरण करें और चित्त को चुराए, उनका नाम हरि, यह हरि शब्द के दो अर्थ। तो जग भरि हरि ध्वनि है, जगत भर में सर्वत्र सर्वत्र त्रिभुवन में हरि ध्वनि ही अपूर्व से हो रही है, ब्रह्मांड गूंज रहा है। सही काले निजाले उठिया अद्वैत राय, उसी समय श्री अद्वैत चंद्र को पता लग गया, अद्वैत आचार्य को किसी ने कहा नहीं है परंतु इनको अपने आप आभास हो गया है। तो उसी समय अपने भवन में शांतिपुर में श्री अद्वैत राय उठ करके खड़े हो गए और नृत्य करे आनंदित मौने, श्री अद्वैताचार्य आनंदित होकर के नृत्य कर रहे हैं। ये तुलसी दल और जल से इन्होंने पूजा करके हुंकार करके महाप्रभु का आविर्भाव कराया है, इसलिए आनंदित हो रहे हैं। हरदास लया संगे हुंकार कीर्तन रंगे, और उस समय श्री हरदास ठाकुर को संग में लेकर के हुंकार कीर्तन करते हुए केनो नाचे केहो नाही जाने, अपूर्व से ये नृत्य कर रहे हैं। अब क्यों नृत्य कर रहे हैं इसका पता किसी को नहीं है, कह रहे एकाएक अच्छे खासे बैठे हुए थे और ये कैसे नृत्य करने लगे। श्री अद्वैत आचार्य नृत्य कर रहे हैं, श्री हरदास को साथ में लेकर के नृत्य कर रहे हैं, हरदास भी नाच रहे हैं,
तो केने नाचे, क्यों नाच रहे हैं, क्यों नहीं जाने, इस बात के कारण किसी को पता नहीं है। उस नृत्य में कार्य कारण संबंध कोई भी नहीं जोड़ पा रहा है। देख ऊपर आगा हासी, शीघ्र गंगा तटे आसी, आनंदे करे गंगा स्नान। श्री देख ऊपर आ, श्री अद्वैताचार्य ने उसी समय देखा कि चंद्रमा का उदय हो गया है और ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण है, माने ग्रहण युक्त होकर के ही चंद्रमा ही उदय हुआ था, ग्रहण चल रहा था उस समय, चंद्रोदय के समय ग्रहण था, कुछ पहले निकल गया कुछ चंद्रोदय के बाद में रहेगा, तो ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण है। श्री अद्वैताचार्य ने जैसे ही देखा कि चंद्र ग्रहण आरंभ हो गया है, उपराग देख उपराग, उपराग माने ग्रहण, उसको देख करके हंसी, श्री अद्वैत आचार्य हंस रहे हैं। अशीघ्र गंगा तटे घाटे आसी, शीघ्र ही श्री अद्वैत आचार्य गंगा घाट के ऊपर आए हैं, क्योंकि ग्रहण में तीन बार स्नान किए जाएंगे, पहले जब स्पर्श होगा तब, फिर मध्य में और फिर अंत में तो स्नान होगा, ग्रहण जब होगा तब तो स्नान होगा। इसलिए श्री अद्वैताचार्य गंगा तट पर चले आए हैं और गंगा में आनंद पूर्वक श्री गंगा जी में इन्होंने स्नान किया, आनंदे करेला गंगा स्नान, आनंद पूर्वक गंगा स्नान किया। पाया ऊपर आग छले आप नार मनोबल, और उसमें मन में तो आनंद है महाप्रभु के जन्म का, परंतु बहाना बनाया जा रहा है क्या कि भाई ग्रहण है इसलिए दान कर रहे, ये अपने भाव को छिपाना, ये जो अभिथा का भाव है उस अभिथा को भाव को जान करके पाया उपराग छल, उपराग के छल पर, उपराग का छल करते हुए ग्रहण का बहाना पा करके प्राप्त करके श्री अद्वैत उस समय आप नार मनोबल अत्यंत मन के उल्लास के कारण ब्राह्मण रे दिल नाना दान, ब्राह्मण को दान करते हुए विराजमान, क्योंकि पुत्र जन्म के समय दान उसका विशेष महत्व है, उल्लास है, दान विशेष रूप से दे रहे हैं। तो आज श्रीमद् महाप्रभु का जन्म हुआ है और इनके हृदय में बड़ा वात्सल्य भाव है, इसलिए ब्राह्मणों को दान भी श्री अद्वैताचार्य दे रहे हैं। जगत आनंदमय देखी सब विस्मय, थारे ठेड़े कहे हरिदास, संपूर्ण जगत को आनंदमय देख करके मन में अत्यंत अत्यंत विस्मय हो रहा है, ठारे ठोरे बिना कारण के ही आश्चर्यचकित होकर के कहे हरिदास, श्री हरिदास जो है वो कह रहे हैं, श्री हरिदास ठाकुर एकदम मन में आनंद हो रहे हैं और उस समय श्री अद्वैताचार्य से हरिदास कह रहे हैं कि तोमार एछन रंग मोर मन पसंद, देखी कुछ कार्य आछे भास, के हे अद्वैत तुम तो इतने प्रकार आनंद में नाच रहे हो और मेरा मन भी अत्यंत रूप से प्रसन्न हो रहा है, मेरा मन आनंद में फूला नहीं समा रहा है और तुम नाच रहे हो, इससे मैं जरूर ये समझ रहा हूं कि आज कोई ना कोई राशि की बात जरूर है। इसीलिए इनको कोई सूचना नहीं है, परंतु तो अपने आप ही आभास हो रहा है, एक ही प्राण होकर के विराजमान है, इसे कह रहे हैं कि देख कछु कार्य आछे भास, इसमें कोई न कोई रहस्य है, तुम्हारे इस कार्य को देखकर के कोई अद्भुत कार्य हुआ है इसका मुझे आभास हो रहा है, देख कछु कार्य आछे भास, कुछ न कुछ कार्य हुआ है, कुछ न कुछ अद्भुत हुआ है इसका मुझे आभास हो रहा है। तो जगत आनंदमय है,
मेरे मन में विस्मय है, थारे थारे कहे हरिदास। उस समय एकदम आनंदित होकर के आश्चर्य सके सहित श्री हरिदास अद्वित आचार्य से कह रहे हैं कि तोमार इच्छन रंग, तुमको जो इतना आनंद हो रहा है और मेरे मन में जो इतनी प्रसन्नता है, इसको देख करके किछु कार्य आछे खास, कुछ न कुछ कार्य अद्भुत हुआ है, इसका मुझे आभास हो रहा है। क्योंकि जो हृदय है वह हृदय कहीं ना कहीं किसी घटना का वर्णन कर ही देता है। जो सामान्यतः सिक्स्थ सेंस जो है वो जैसे काम करती है, छठी इंद्रिय जैसे काम करती है, ऐसे यहां पर आभास हो गया है। तो इनको अपूर्व से आनंद जो है उनकी प्राप्ति हो रही है। आचार्य रत्न श्रीवास हैल मने सुखोल्लास या स्नान कई गंगा जले। और इधर चंद्रशेखर आचार्य, आचार्य रत्न चंद्रशेखर श्री श्रीवास, इनके पास में भी अभी खबर नहीं पहुंची है, परंतु ये भी मन में आनंद हुआ और ये भी गंगा जी में स्नान करने के लिए उस समय सब गए। जैसे मानो सब लोग मंगल स्नान करते हुए विराजमान हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। आनंद विभोले मने कर हरे संकीर्तन नाना दान कैल मनोबल। ये दान का अवसर है इसलिए आनंद में विफल हो रहे हैं और कहे हरि संकीर्तन सा हरे नाम का। बहुत जने मिलकर के उच्च स्वर में आवृत्ति पूर्वक कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं, उसी का नाम है संकीर्तन। के बहुविल मिलित्वा आवृत्ति पूर्वकम उच्च ही कीर्तनम संकीर्तनम, ये संकीर्तन की परिभाषा। तो जहां पर हरिनाम संकीर्तन करते हुए विराजमान है, करे हरि संकीर्तन, ये सब हरि संकीर्तन कर रहे हैं। और नाना दान कैल मनोबले, मन के उल्लास के कारण, मन की प्रेरणा के कारण अनेक प्रकार का दान करते हुए विराजमान है, दान कर रहे हैं। और बहाना ये है, दिखा रहे हैं ये सबको, कहीं मन में तो आभास है महाप्रभु के जन्म का, परंतु दिखा रहे हैं कि भाई ग्रहण में सब जने दान करते हैं, हम भी दान कर रहे हैं। ये अपने भाव को छुपा करके दान क्यों किया जा रहा है इसके लिए कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। सब कह रहे हैं कि ग्रहण है इसलिए दान किया जा रहा है, ग्रहण में दान का महत्व ये है। ऐ मत मत भक्त तति यार यही देशी स्थिति तहां तहां पाया मनोबल। नाचे करे संकीर्तन आनंदे विफल मन दाने करे ग्रहणे क्षण। श्री इस प्रकार सब आनंद कर आनंद हो रहे हैं। ऐ मत भक्त तति, इस प्रकार भक्तों की तति माने पंक्ति, तति कहते हैं पंक्ति, इस प्रकार भक्तों की जो पंक्ति है। यार यही देशे स्थिति, जो भक्त जहां थे वहां पर उनको कुछ आभास हो गया, आनंद जो है वो आनंद की प्राप्ति हो गई है। ये कहीं अंतर चेतना का स्वरूप है कि कभी दुख और कभी सुख की अनुभूति अपने आप कहीं प्राप्त हो जाती है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में कहते हैं, रम्याण वीक्ष मधुरांश निशम शब्दान परयुत सुखो भवति यत् सुखिनोऽपि जन्तुः तच्चेतसा स्मर नून मबोध पूर्वं भावस्थराणि जन्नांतर सहृदान। के रम्याण वीक्ष, कभी रम्य वस्तुओं का दर्शन करके मधुरांश निशम शब्दान, कोई मधुर शब्द को सुन करके एक व्यक्ति आनंदित होता है, और कभी कभी इन मधुर वस्तुओं का दर्शन करके परयुत्सुको भवति यत् सुखिनोऽपि जन्तुः, वो सुखी है और वो दुखी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर देते हैं,
कि तत्चेत शास्त्र नून मबोध पूर्वक, उसको इस समय पता नहीं है परंतु उसका चित्त कहीं अबोध पूर्वक, मन कहीं आकाश रूप होकर के विराजमान है और आकाश रूप होने के कारण वह भावस्थराणी जन्मांतर सहृदानी, भाव में स्थित दूसरे जन्म के सहृदों का भी स्मरण कर लेता है और उनसे कभी दुखी, उनके स्मरण से कभी दुखी और कभी सुखी हो जाता है। न्याय में मन का जो जन्म है वह अपंचीकृत आकाश से हुआ, पंचीकृत नहीं है मन, अहंकार का कार्य नहीं है बल्कि अपंचीकृत आकाश से मन का जन्म हुआ है। इसलिए आकाश व्यापक है तो दूसरे के मन की बात को भी कभी न कभी हम जान लेते हैं, दूसरे के मन की बात को भी कुछ न कुछ समझ लेते हैं। तो व्यापक होने के कारण आज सबके मन में कुछ न कुछ पूर्वाभास अपने आप हो गया है और उस पूर्वाभास के कारण वे सब मन की कुछ न कुछ मन में व्यापकता का गुण विद्यमान है। मन की एक विशेषता यह है कि मन में अपूर्व शक्ति है और मन में अनेक रूपों को धारण करने की क्षमता भी है, यह मन की विशेषता है। अपूर्व शक्ति सब अनुभव करते हैं, एक व्यक्ति जो दमा का मरीज है, बीमार पड़ा हुआ है और सपना देखता है और बड़े से बड़े पहलवान के एक पंच मारता है और उसको धराशायी कर देता है, सपने व्यवहार में तो कभी कर नहीं सकता है पर सपने में ऐसा कर सकता है, तो इसका मतलब है शरीर के बल की अपेक्षा मन का बल अधिक है। और मन की एक दूसरी विशेषता है कि मन अनेक अनेक रूपों को धारण करने में भी समर्थ है। सो रहे हैं, स्वयं ही मन ही महल बन जाए, मन ही पहरेदार बन जाए, मन ही शरबत बन जाए, मन ही पंखा बन जाए, मन ही सब कुछ बनकर के वस्त्र आभूषण, राजा सिंहासन बनकर के विराजमान हो जाए। तो मन अनेक रूपों को धारण कर सकता है, ये मन की विशेषता है। और मन बड़ा शक्तिशाली होकर के विराजमान है। यह जागृत दूर मुपैती, जागृत अवस्था में विराजमान है परंतु मन की एक सामर्थ्य है कि वो दूर जा सकता है, दूर की वस्तु को मन देख सकता है। तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु, हमारा जो मन है वह शिव संकल्प से युक्त होकर के ऐसा, ये मन रूपी जो देवता है ये बड़ा बलवान है और इस मन रूपी देवता का हम उपयोग कर रहे हैं कि इसके द्वारा हम शिव संकल्प करें। कोई भी कर्म कांड करते हैं, संकल्प करते हैं, उसके बाद में एक मंत्र बोलते हैं कि यह जागृत दूर मुपैती, जो जागृत अवस्था में दूर जा सकता है, दूर की वस्तु को देख सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है मन, ऐसा जो मन देवता है परम बलवान वह शुभ संकल्प से युक्त होकर के विराजमान हो और हम जो कार्य कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, यह भी शुभ हो, शुभ फल को प्रदान करने वाला, हमारा कल्याण करने वाला। तो ये मन की विशेषता रही। तो इस प्रकार जिनको पता नहीं है पहले उनके उल्लास का वर्णन किया यहां। एक मत भक्त तति, इस प्रकार से भक्तों का जो समूह है, जो जहां दूर दूर तक विराजमान था तहां तहां पाए मनोबल, वहां वहां मन के बल से वह वस्तु को प्राप्त कराया, माने उल्लास जो है उसको प्राप्त करा है। मनोबल माने यहां पर उल्लास क्या है, वो अपूर्व उल्लसित वहां वहां भी हो रहा है क्योंकि मन व्यापक आकाश से उत्पन्न होने वाला, अपंचीकृत आकाश से भी उत्पन्न होने वाला है, इसलिए उसमें व्यापकता का और दूसरे की बात को जानने का गुण भी विद्यमान है। कहीं ना कहीं मन जो है वह दूसरे के मन की बात जान लेता है। सब नाच रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं और ग्रहण के बहाने, ग्रहण छले, ग्रहण के बहाने दान कर रहे हैं। ब्राह्मण सज्जन नारी नाना द्रव्य थाली भरी आएगा सभे यमतुक लय,
उस समय अब जिनको जानकारी मिल रही है उनकी बात कर रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है वे तो इस तरह से कर रहे हैं। अब जिनको जानकारी मिल रही है इस मंगलमय सूचना की, वे लोग अपूर्ण रूप से सुन रहे हैं कि ब्राह्मण सज्जन नारी, ब्राह्मण जितने भी सज्जन सौभाग्यवती हैं नारीगण हैं, वे नाना द्रव्य थाली भरी, थाली में अनेक प्रकार के द्रव्यों को भर करके आए सभी यौतुक ले जा, सब यौतुक लेकर के, यौतुक कहते हैं दाइया या भेंट देने की चीज, विभिन्न अवसर पर जो भेंट देने की चीज है उसको यौतुक कहते हैं। विवाह में जैसे दाइया दिया जाए तो उसका नाम भी यौतुक है, और यहां पर छोछक इत्यादि जो प्रदान किया जाए उसका नाम भी यौतुक है। तो आया सभी यौतुक लिया, सभी लोग यौतुक लेकर के माने भेंट की सामग्री लेकर के आए हैं। ये कांचा सोना द्युति देख बालक के मूर्ति, उस समय नवीन बालक का दर्शन कर रहे हैं। ये कांचा सोना द्युति, उस समय श्री गौरहरि की उस नवजात बालक की शोभा कैसी है, जैसे कच्चा सोना हो माने पीले वर्ण का सोना, उसकी के समान उसकी द्युति है। तो ये कांचा सोना द्युति, जैसे कच्चा सोना हो, लाल रंग का जो सोना जब पक जाता है तब तो चमकीला हो जाता है और लाल रंग का हो जाता है, परंतु जो कच्चा है वो कच्चा पीले रंग का ही होगा। तो ये कांचा सोना द्युति देख बाल के मूर्ति, कच्चे सोने के समान जिनका पीत वर्ण है गौर वर्ण है, देख बाल के मूर्ति ऐसे बालक की मूर्ति का दर्शन करके आशीर्वाद करे सुख पाया। सब लोग उस बालक को आशीर्वाद प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं और आशीर्वाद आशीर्वाद देकर के सब अत्यंत अत्यंत सुख प्राप्त कर रही हैं। सावित्री गौरी सरस्वती शची रंभा अरुंधति आर्यत देव नारी गौ, नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणी वेश धरी आसी सभे करे दर्शन। सावित्री जो सूर्य की पत्नी है, वे सूर्य की शक्ति सावित्री वे पधारी, गौरी शिव की शक्ति है, सरस्वती ब्रह्मा की शक्ति है, शची ये इंद्र की शक्ति।